हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को तमिल एक्टर विजय सेतुपति और बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर अनुराग कश्यप की लेटेस्ट मूवी महाराजा को एक्सप्लेन करूंगा, जो कि 2 hours 20 minutes की फिल्म है। इस मूवी को शॉर्ट में समझाऊंगा। मूवी के अंदर बहुत सारे टर्न एंड ट्विस्ट है और तो और बहुत सारे सस्पेंस भी है। इसके अलावा बढ़िया सा एक्शन भी है और एंड में जो क्लाइमैक्स है दोस्तों, आप लोगों को रुला देगा। वीडियो को एंड तक पूरा देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। शुरुआत में हम देखते हैं विजय सेतुपति एक सलून में बार्बर का काम कर रहा है। उनका नाम महाराजा होता है। अपना जॉब ख़त्म होने के बाद एक टॉय शॉप में आता है। कट टू महाराजा अपनी बेटी के लिए खिलौना ले रहा है। उस शॉप के सामने वाले घर में महाराजा की वाइफ अपनी छोटी बच्ची के साथ बैठी है। महाराजा वाइफ को खिलौना दिखाता है, उतने में एक ट्रक आके उस घर के अंदर घुस जाती है। सारे मोहल्ले वाले जमा हो जाते हैं और महाराजा की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो वहीं का वहीं खड़ा होकर देखता रह जाता है। अब 16 साल बाद की कहानी हमें दिखाई जाती है। एक स्कूल दिखता है जिसमें लड़कियां स्पोर्ट खेल रही है। उसमें से एक महाराजा की बेटी ज्योति है, जो कि पढ़ाई में कमज़ोर है लेकिन स्पोर्ट्स में बहुत आगे है। स्कूल की PT टीचर ज्योति को बहुत पसंद करती है। उसके स्पोर्ट्स में लगाव और डेडिकेशन देखकर वो उसे स्टेट चैम्पियन बनाना चाहती है। स्कूल फ्रेंड्स पूछते हैं, तुम्हारे घर में कौन कौन है? तो वो कहती है, मेरे घर में 3 लोग हैं, मैं, पापा और लक्ष्मी। फ्रेंड्स पूछते हैं, लक्ष्मी कौन है? तो ज्योति अब लक्ष्मी को दिखाती है और पता चलता है कि लक्ष्मी तो एक कचरे का डिब्बा है। सब लोग हंसते हैं कि कचरे के डिब्बा को लक्ष्मी क्यों कह रही है। तो वो कहती है, जब मैं छोटी बच्ची थी, हमारे घर में ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था, तभी लक्ष्मी मुझ पर आ गिरी और मैं बच गई, पर मेरी माँ उस हादसे में चल बसी। तभी से महाराजा और ज्योति दोनों उस कचरे के डिब्बे को हर हफ्ते धोते हैं, टीका लगाते हैं और उसे एक घर का सदस्य मानते हैं। अब हम देखते हैं कि ज्योति रेसिंग कॉम्पिटिशन के लिए अपने PT टीचर के साथ कहीं जा रही है। महाराजा उसे बस में छोड़ कर काम पर चला जाता है। अब दोस्तों, महाराजा ने अपने खुद का सलून बना लिया है। अब रात हो जाती है और महाराजा घर लौटता है। कट टू हमें अगला सीन दिखाया जाता है। महाराजा जख्मी हालत में लेटा पड़ा है और घर में बहुत तोड़फोड़ हुआ है। अब हम देखते हैं कि एक गैराज में नगर सेवक आता है और वहाँ के ओनर को मारने लगता है। वो उससे पूछता है कि मेरा चश्मा कहाँ है। तभी वहाँ ओनर का भाई आता है और वो उसे भी मारने लगता है। तो गैराज का ओनर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरा भाई तुम्हें चश्मा लौटा देगा। अब रात हो जाती है और ओनर का भाई उस नगर सेवक के पास आता है और उसके सामने ही उसका चश्मा तोड़ देता है और उस नगर सेवक को बहुत मारता है। इस आदमी को याद रखना दोस्तों। अब अगले सीन में महाराजा पुलिस स्टेशन चला जाता है। पुलिस स्टेशन में जाकर महाराजा लक्ष्मी का मिसिंग केस फाइल करता है। वो बताता है कि जब वो घर पहुंचा और ड्रेस चेंज करने लगा, तभी 3 लोगों ने उस पर हमला कर दिया। वो 3 लोगों ने उसे बहुत मारा और लक्ष्मी को उठा ले गए। तो पुलिस वाला पूछता है कि ये लक्ष्मी कौन है? तो महाराजा भी उसे लक्ष्मी की तस्वीर दिखाता है। ये देखकर पुलिस वाला भड़क जाता है कि लक्ष्मी तो एक कचरे का डिब्बा है और महाराजा को यहाँ से जाने कहता है। महाराजा जाने से मना कर देता है तो सारे पुलिस वाले उसे खींच कर हटाने लगते हैं, मगर वो पुलिस स्टेशन के एक लोखंड के हैंगर को पकड़ लेता है और खींचने खींचने में वो लोखंड का हैंगर टूट जाता है और स्टेशन का छत गिर जाता है। अब वहाँ पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर आ जाता है, जो बैठकर महाराजा को समझाता है कि हम एक कचरे के डिब्बे को नहीं ढूंढ सकते, मगर महाराजा बात को नहीं मानता और कहता है कि ये केस फिर CBI को दे दो। तो इंस्पेक्टर गुस्से में आ जाता है और महाराजा को ज़ोर से चाटा मारता है। महाराजा फिर भी नहीं मानता और इंस्पेक्टर को कहता है कि आपको मैं 5 लाख रुपये दूंगा, बस आप मेरी लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए। इतने सारे पैसे सुनकर इंस्पेक्टर मान जाता है और इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है। पुलिस वालों को लगता है कि एक कचरे के डिब्बे के लिए कोई 5 लाख क्यों देगा, ज़रूर उस कचरे के डिब्बे में कुछ बड़ा होगा। इसलिए इंस्पेक्टर महाराजा से पूछता है कि उस कचरे के डिब्बे में जो भी है हमें बता दो, ताकि हम जल्दी ढूंढ पाए। मगर महाराजा कहता है, कुछ भी हो जाए, मेरी बेटी के आने से पहले लक्ष्मी को ढूंढ दीजिए,
चाहे तो मैं आपको 2 लाख और दूंगा। ये सुनकर इंस्पेक्टर हैरान हो जाता है। अब यहाँ से कहानी काफ़ी घूमने वाली है, इसलिए मैं आपको पहले ही बता दूँ कि अब कुछ सीन्स पास्ट में चलेंगे और कुछ सीन प्रेजेंट में, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब हम पास्ट में जाते हैं, जहाँ हम 2 लोगों को घर लूटते हुए देखते हैं। घर लूटने के बाद दोनों उस घर को ब्लास्ट कर देते हैं। अब उनमें से एक अपने घर आ जाता है और अपनी वाइफ और बच्ची से मिलता है। इस आदमी का नाम है सेल्वम, जिसे बॉलीवुड एक्टर डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने प्ले किया है। इसने अपने पत्नी को झूठ बताया है कि वो एक अच्छा इंसान है, जबकि रात में ये और उसका दोस्त मिलकर घरों को लूटते हैं और सुबह वो अपने इलेक्ट्रिकल शॉप में काम करता है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि एक पुलिस वाला दुकान में जाकर वैसा ही कचरे का डिब्बा ढूंढ रहा है। तभी उसकी मुलाकात नल्ला सिवा से होती है, जो पुलिस वालों का खबरी है। इंस्पेक्टर उस नल्ला सिवा को कॉल करके सब बता देता है। दरअसल ये पुलिस वालों का प्लान है कि एक नया कचरे का डिब्बा लेकर उसे थोड़ा तोड़कर वो महाराजा के जैसे ही बना दे और महाराजा को दे दे और उससे पैसे ले ले। अब हम देखते हैं कि वो गैराज का मालिक पुलिस स्टेशन में आता है और अपने भाई का मिसिंग कंप्लेंट लिखता है। तभी कहानी फ्लैशबैक में जाती है कि जिस दिन ओनर का भाई उस नगर सेवक को मारने आया था, उसी दिन वहाँ पर महाराजा भी था। महाराजा बाद में उसका पीछा करता है और एक फैक्ट्री में पहुँचता है। तभी कुछ लोग महाराजा पर हमला कर देते हैं। वो आदमी महाराजा को मारने कहता है, पर महाराजा अपना असली रूप दिखा देता है और सब लोगों को मार देता है। फिर वो उस आदमी से पूछता है कि बाकी के 2 लोग कहाँ हैं। तो वो आदमी बताता है कि उन दोनों में से एक तेरे वहाँ के पुलिस स्टेशन में है, ढूंढना है तो ढूंढ ले, और वहाँ से भागने लगता है। मगर महाराजा वहीं उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब हमें समझ में आता है कि वो इस पुलिस स्टेशन में क्यों आया है। तभी वहाँ वो नगर सेवक भी आ जाता है। इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि उसने तुझे ही आखिरी बार मारा था, बता दे इसका भाई कहाँ है। तो वो नगर सेवक बताता है कि मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसकी तलाश में एक और आदमी आया था, उसे महाराजा का नाम याद नहीं आता, तो वो उसका नाम इलैयराजा बता देता है। अब पुलिस वाले इलैयराजा यानी महाराजा को भी ढूंढने लगते हैं। कहानी फिर से पास्ट में जाती है, जहां हम देखते हैं कि सेल्वम की बेटी का बर्थडे आ रहा है, तो वो अपनी बेटी को एक सोने का लॉकेट दिलाता है। सेल्वम बाकी लोगों के लिए बहुत खतरनाक है, मगर अपनी बीवी और बच्चों से वो बहुत प्यार करता है। उसकी बीवी उसे दाढ़ी काटने कहती है, तो सेल्वम रास्ते में एक सलून चला जाता है, जहां पर महाराजा काम करता है। महाराजा उस लॉकेट को देखकर पूछता है कि आप इसे किसी को गिफ्ट करने वाले हो। तो सेल्वम बताता है कि मेरी बेटी का जन्मदिन है, तो उसे गिफ्ट करूँगा। महाराजा का ब्लेड खराब हो जाता है, तो वो नया लेने बाहर चला जाता है। तभी सेल्वम को उसका दोस्त कॉल करता है कि पुलिस वालों को पता चल गया है कि हम ये सब कांड कर रहे हैं। तो सेल्वम उसे कहता है कि पुलिस वालों को अभी पता नहीं चला है, उनको पता चलने से पहले ही हम भाग जाएंगे। मगर जैसे ही सेल्वम पीछे मुड़ता है, तो वहाँ महाराजा खड़ा था। सेल्वम को लगता है कि महाराजा ने सब सुन लिया, जबकि महाराजा ने कुछ नहीं सुना था। वो जब घर आता है तो बहुत घबराया हुआ था, और इसी घबराहट में वो अपनी बेटी का लॉकेट सलून में ही भूल जाता है। महाराजा इस लॉकेट को लेकर उसके घर आ जाता है, मगर कोइंसिडेंस से उसके पीछे पुलिस भी आ जाती है। पुलिस आते ही सेल्वम को अरेस्ट कर लेती है, और हड़बड़ी में सेल्वम का दोस्त भी मारा जाता है। और सेल्वम बहुत गुस्से में था, क्योंकि सेल्वम को लगता है कि उस महाराजा ने ही उसे पकड़वाया है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं कि पुलिस वालों को एक कचरे का डिब्बा मिल जाता है, जिसे पुलिस वाले और नल्ला सिवा मिलकर लक्ष्मी जैसा बना देते हैं। पर अब उन्हें एक आदमी चाहिए था जो ये कबूल करे कि इस कचरे के डिब्बे को मैंने चुराया था, मगर कोई भी चोर इस बात के लिए नहीं मानता। इस सीन में हमें दिखाया गया है दोस्तों कि चोर के अभी अपना स्टैंडर्ड और औकात है कि वो लोग कचरे के डिब्बे को चोरी को कैसे माने। तो यहाँ पर नल्ला सिवा बोलता है कि मैं ही चोर बन जाता हूँ, आप मुझे कुछ पैसे दे देना। अब पुलिस वाले वापस से महाराजा को कहानी बताने कहते हैं, ताकि इसे सुनकर नल्ला सिवा एक्टिंग अच्छे से कर सके।
पुलिस वाला फोन को रिकॉर्ड पे रख देता है और सब मिलकर कहानी फिर से सुनते हैं। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट। महाराजा बोल रहा है कि ये सब उसके साथ हुआ है, मगर हम सीन में देखते हैं कि उसकी बेटी स्पोर्ट्स कैंप से वापस आ रही है और बस में वो महाराजा को नए जूते लेने कहती है, जिसके कारण महाराजा जूते लेने चला जाता है और उसे वहाँ पर थोड़ा देर हो जाता है। तभी उसकी बेटी घर पहुँचती है और कपड़े चेंज करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि नल्ला शिवा और उस गराज के ओनर का भाई मिलकर उसे दबोच लेते हैं और वहाँ सेल्वम आकर उस लड़की को बहुत मारता है। लड़की बेहोश हो जाती है और तीनों हॉल में आ जाते हैं। दरअसल जब सेल्वम को जेल हुई तो 14 साल बाद वो रिहा हो गया और तब से ही वो वेट कर रहा है कि कब वो महाराजा से बदला लेगा, मगर गलती से उसकी बेटी बीच में आ गई। अब ये लोग महाराजा को मारने के लिए वेट करते हैं। तभी नल्ला शिवा कठरक जाग जाता है और वो सेल्वम से पूछता है कि क्या मैं अंदर जाऊं? तो सेल्वम उसे जाने देता है और कुछ समय बाद फिर से अंदर जाता है। अब सेल्वम को लगता है कि उसकी बेटी के साथ जो उन्होंने किया वही महाराजा के लिए सबसे बड़ी सजा है और महाराजा को मारे बिना ही वो लोग चले जाते हैं। जब महाराजा घर आता है तो ज्योति को देखकर फटाफट हॉस्पिटल ले जाता है। हॉस्पिटल में इलाज होता है और ज्योति बताती है कि उसकी ये हालत तीन लोगों ने की है, जिनमें से एक आदमी के पीठ पर फोड़ी भी है। अब गुस्से में महाराजा घर जाकर खुद का घर तोड़ने लगता है और अपने आप को मारकर बेहोश कर देता है। और यही सीन हमें दोस्तों उस समय दिखाया गया था। हम देखते हैं कि लक्ष्मी तो हॉस्पिटल में ही है। जिस तरीके से महाराजा पूरी स्टोरी बताता है, नल्ला शिवा समझ जाता है कि ये अपनी नहीं बल्कि उसकी बेटी की बात कर रहा है। पहले वो चोर की एक्टिंग करने से मना करता है, मगर इंस्पेक्टर उसे चुपचाप चोर बनने कहता है। अब सुबह नल्ला शिवा महाराजा के घर आकर पुलिस वालों को बताता है कि उसने महाराजा के घर चोरी कैसे की। महाराजा जब उसकी पीठ चेक करता है तो उसकी पीठ पर वही फोड़ी थी। इंस्पेक्टर पूछता है कि अब इस चोर का क्या करे, तो महाराजा उसे छोड़ने कहता है। तभी इंस्पेक्टर बोलता है कि अगर तेरी बेटी का रेप किया होता तभी भी तू उसे छोड़ देता। ये सुनकर नल्ला शिवा डर जाता है, क्योंकि पुलिस वालों को इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चल गया था कि महाराजा पुलिस स्टेशन लक्ष्मी के लिए नहीं बल्कि अपनी बेटी के रेपिस्ट को ढूंढने आया था। इंस्पेक्टर नल्ला शिवा को महाराजा के हवाले छोड़कर चला जाता है, जहां महाराजा नल्ला शिवा को मार देता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब पुलिस वाले महाराजा को सेल्वम का भी पता बता देते हैं और महाराजा सेल्वम को मारने चला जाता है, जहाँ सेल्वम को देखते ही महाराजा चौंक जाता है। पहले वो बहुत मार खाता है, लेकिन बाद में सेल्वम को भी बहुत मारता है और उसकी टांग तोड़ देता है। वो उसे मारता नहीं, क्योंकि उसकी बेटी ने हॉस्पिटल में उसे कहा था कि जिसने मेरी ये हालत की है मैं उससे बात करना चाहती हूँ। तो वहाँ ज्योति भी आ जाती है। पहले महाराजा ज्योति को जाने से मना करता है, मगर बाद में भेज देता है। ज्योति उससे पूछती है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो सेल्वम बस हंसता रहता है। थोड़ी देर बाद वो उठकर जाने लगती है और उसे भीख में सोना भी दे देती है। और अब आता है मूवी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वो सोना वही लॉकेट था जिसे वो अपनी बेटी को गिफ्ट में देना चाहता था। और जब ज्योति का वो पीठ देखता है तो उस पर वही निशान थे जो उसकी बेटी के पीठ पर थे। अब कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है कि जब पुलिस वाले सेल्वम को जेल ले गए तो महाराजा अपनी पत्नी के साथ सेल्वम की बीवी के घर आया था वो लॉकेट लौटाने, मगर सेल्वम की बीवी वो लॉकेट लेने से मना कर देती है। सामने के दुकान में जाकर महाराजा उस लड़की के लिए खिलौना ढूंढता है और अपनी बीवी को दिखाता है। और यही वो स्टार्टिंग वाला सीन है जो वापस दोबारा रिपीट होता है। एक ट्रक आकर उस घर में घुस जाती है जिसमें महाराजा की वाइफ और बेटी दोनों मारे जाते हैं और सेल्वम की वाइफ भी मारी जाती है, मगर लक्ष्मी सेल्वम की बेटी पर गिर जाती है और उसे बचा लेती है। तब से महाराजा सेल्वम की बेटी को अपनी बेटी मानकर पाल रहा है। ये पता चलते ही सेल्वम महाराजा से भीख मांगने लगता है कि उसकी बेटी से उसकी एक बार बात करा दो, मगर महाराजा बिना कुछ बोले वहाँ से जाने लगता है। सेल्वम घिस घिस कर बिल्डिंग के ऊपर से देखता है
कि वो लोग रिक्शे में बैठकर जा रहे हैं। सेल्वम वहाँ रोता रहता है और अपने आप को कोसता है कि उसने अपनी ही बेटी के साथ ये किया। इस गिल्ट में ना जीने के कारण वो ऊपर से गिर जाता है और मर जाता है और कहानी हो जाती है ख़त्म। ये लास्ट सीन दोस्तों इतना इम्पैक्टफुल है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें। हालांकि आपको अब कहानी पता है, मगर फिर भी मैं आपको गारंटी देता हूँ कि जब आप ये मूवी देखोगे तो लास्ट सीन में आपको फिर भी आंसू ज़रूर आएंगे। ये मूवी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में अवेलेबल है, तो इसे ज़रूर देखना। अब दोस्तों इसके बाद मैं अगली जो मूवी है वो किल मूवी को एक्सप्लेन करूँगा। किल वही मूवी है जिसको हॉलीवुड भी रीमेक करने वाले हैं। तो ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसका मैं बाद में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। तो आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ अगले एक अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थोड़ा इंतज़ार कीजिए। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।